गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टेंथ क्लास फिजिक्स वी आर नाउ ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ अ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल इज अ साइंटिस्ट, यू नो, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, द रजिस्टर गेट हीटर, वो गर्म हो जाता। सो ऑन हिज नेम दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द जनरेशन ऑफ अ हीट इन द रजिस्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। टू कैलकुलेट द फॉर्मूला वी आर फॉर अ हीटिंग, वी आर टेकिंग one cell providing B voltage, resistor R resistances, let I current is flowing in it, in this circuit, such that Q charge is flowing in T time. As we know from first definition of this chapter, I will be equal to Q over T, right? I is equal to Q over T. Now दिमाग क्वेश्चन पक्का आना चाहिए कि एक वायर दे विच, एक रजिस्टर उदे विच करंट गया और हीट प्रोड्यूस होगी, क्यों हुई है इस हीट, क्यों प्रोड्यूस हुई? ये वायर्स ने, कॉपर दी वायर्स, ये गर्म नहीं हुई, आ गर्म हो गया रजिस्टर, क्यों गर्म होया? क्योंकि ये रजिस्टर है, रुकावट है। तुसी एक मोटरसाइकिल एक रफ रोड ते लेके जाओ, है ना, बार बार थोड़ा टायर इस रोड दे नाल फ्रिक्शन करेगा, रफ है ना, तो टायर गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस होगी ना, क्यों? कोलिजन दी वजह दे नाल, रुकावट दी वजह दे नाल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन चलते ने सर्किट दे और इस रजिस्टर दे विच रुकावट है, ओ इलेक्ट्रॉन जब चलणगे तो ओ टकराणगे रस्ते दे विच, बार 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 रुकावट है ना, कोलिजन हो रहा, और यही कोलिजन जो है, यही रजिस्टर्स की वजह नाल जो कोलिजन है, कोलिजन की वजह दे नाल जो रजिस्टेंस है, बार बार कोलिजन हो रहे इस ते जो रजिस्टेंस है, उदी वजह नाल हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। सिंपल, अगर सीधे चले जाते कोई रुकावट नहीं होंगी, जिमें कि कॉपर के वायर के बहुत घट रुकावट है, सीधी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। हूँ असी फाइंड आउट करना है कि इस रजिस्टर के रजिस्टेंस है वह किस फार्मूले के नाम निकलेगी। असी यही इमेजिन किया कि बी वोल्टेज लगी है सर्किट के आर रजिस्टेंस, क्यू चार्ज टी टाइम फ्लो कर रहा है। देखो ये जो बैटरी है, जो सेल है, ये काम करता है ना, ये जो काम करता है वो किमें निकलता है, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव, फार्मूला करके है ना, आ वाला बी इज इक्वल डब्ल्यू ओवर क्यू, ये है क्या फार्मूला? ये कहना कि जब तुसी किसी सर्किट के बीच बी वोल्टेज दे देते हो तो जो काम होता है वो एवें करके आ जाता है, पोटेंशियल जितनी लगाई चार्ज जितना चलिया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू आर। ठीक, क्यू की जगह तुसी आई टी लिख सकते हो, अगर आई करंट फ्लो हो रहा आई टी। ठीक, जितना ये काम हो रहा, जो ये काम कर रहा, ये सारा इस रजिस्टर के बीच वर्क इज अपीयरिंग एज हीट, हीट च कन्वर्ट हो गया, तो इस वर्क को असं हीट लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू वी आई टी। ओमला कहता V इज इक्वल टू आई आर, अगर उसी जगह आई आर रखोगे तो आई स्केयर आर टी बन जाएगा। देखो, और कहता I इज इक्वल टू बी ओवर आर आल्सो, सेम चीज ओमला पे, इस जगह आई ओवर आर रखोगे तो ये बन गया, सॉरी आई की जगह बी ओवर आर रखोगे तो बी स्केयर ओवर आर। सो वी हैव दीज थ्री फॉर्मूलास,
अलग अलग कंडीशन अलग अलग जगह असी कदे ए यूज कर रहे कदे ए न्यूमेरिकल दे विच तुहानू क्लियर होएगा. सो वी हैव दीस फार्मूलास हीट इज बी आई टी आई स्केयर आर टी बी स्केयर ओवर आर टी. तुसी गल नोट कीती है असी यही सारा जो एक्सप्रेशन है ए एनर्जी दे विच कीता सी सेम है ना एनर्जी असी क्या जितना भी काम हो रहा वो एनर्जी है इतने पर क्या जितना भी काम हो रहा वो हीट है. ठीक हुण ए जे हीटिंग इफेक्ट है कि ये रेजिस्टर्स जो है नॉर्मली एलॉयज यूज हो जाते हैं. ठीक है इस सर्किट दे विच इहदा कॉपर वायर है और इत्थे एलॉय यूज हो जाते हैं. ठीक है एलॉयज का मतलब होता है कि वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन दे विच असी अलग अलग मेटल नू मिला लैंदे हां वो एलॉय बन जाते हैं वो गर्म हो जाते हैं बहुत जल्दी एलॉयज क्योंकि उन्हां दी रेजिस्टेंस मेटलों से ज्यादा होती है. हूँ जो गर्म हो जाती है कोई भी चीज करंट दे नाल उदा कोई यूज है बिल्कुल है. तीन यूज ने मेन नंबर वन इन हीटिंग एप्लीएंसेस तुसी एक तार ला के रोज अपने कपड़े आयरन करके आते हो प्रेस करके आते हो है ना वो प्रेस गर्म हो जाती है उदे विच एक प्लेट फिलामेंट लग्या होया अलॉय का वो गर्म हो जाता है वो इसी जूज लॉ ऑफ हीटिंग नाल गर्म होता है. इन बल्ब फिलामेंट तुसी बल्ब देखिया होना उदे विच एक अंदर एक तार दे लगी हुई है ये तार फिलामेंट जो है ये टंगस्टन दा होता है बेटा टंगस्टन इदे बारे च असी क्वेश्चंस बहुत डिटेल च करांगे. जब तुसी करंट दिंदे हो तो की होता है ये फिलामेंट बहुत गर्म हो जाता है. पहला काम है करंट लेके नहीं गर्म होता है गर्म होके ये वाइट हॉट हो जाता है वाइट हॉट बहुत गर्म और बहुत गर्म होके ये लाइट देना शुरू कर देता है. तो गर्म होके ही लाइट देता है यही चीज इतने है कि बल्ब फिलामेंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज करता है. इलेक्ट्रिक फ्यूज फ्यूज दे विच भी ये यूज होता है. फ्यूज क्या होता है तुम देखते हो ना घर के सर्किट लगे होता है शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फ्यूज उड़ जाता है ना. कई बार असं मोटर लाते हैं बड़ी करंट नहीं चक सकता तो वह फ्यूज जो उड़ जाता है सारे अदर एप्लीएंसेस को बचा लेता है नहीं तो बड़े ज्यादा करंट नाल सारे घर की चीज़ें जल जाएंगी जो बिजली नाल लगिया हुई ने. बहुत डिटेल दे विच असीं अगले चैप्टर दे विच करांगे डोमेस्टिक सर्किट जब असीं पढ़ांगे. ठीक है बेटा दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. वी हैव दिस formula which we will use h is bit I square rt b square over rt right. One numerical I have sent which uses more energy java energy kaun use kar raha hai 250 watt tv in 1 hours or 1200 watt toaster in 10 minutes hai na. Tumhe ek cheez pata hai ki जो पावर है वो एनर्जी ओवर टाइम होती है. ठीक है असि सॉल्यूशन कर लेते हैं पावर इज एनर्जी ओवर टाइम तो एनर्जी कितनी बनी पी इंटू टी कि जो एनर्जी खर्च करेगा जिनी उसकी पावर है 250 वाट जिन्ने टाइम लिए वो होए बस मल्टीप्लाई करो जूल्स आ जाएगा. जूल ले सारा कुछ एसएच वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड. ठीक हावर वन हावर है 60 मिनट्स दिस मिनट कैन बी चेंज्ड बाय 60 सेकंड्स सो सेकंड विल चेंज कट द सेकंड एंड बी विल गेट द एनर्जी 900000 जूल. ठीक है इतनी एनर्जी जो है ओ, एक तुहाडा टीवी एक घंटे दे विच खर्च करेगा. हुण टोस्टर किन्नी करेगा टोस्टर लई फिर से ही फार्मूला लगा दो पी इंटू टी पावर किन्नी है 1200 टाइम किन्ना है 10 मिनट्स 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 नू सैकेंड्स बदल लो ए वाट है सैकेंड ने फिर सैकेंड नू कट लिया
और असी मल्टीप्लाई किया ए इतने जूल्स आ गए। हुण तुहाडे सामने है कि कौन ज्यादा यूज कर रहा है, टीवी जो है वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, हेंस टीवी यूजेस मोर एनर्जी। सो बेटा नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर राइट, असी ये चैप्टर पूरा कर लिया। की असी चीज इस चैप्टर दे विच पढ़िया, सबसे पहले एक छोटी जी असी समरी लेंदे ने। सो बेटा अगर असी मोटा मोटा एक समरी लीए इस चैप्टर दी कि असी इस चैप्टर च पढ़िया क्या, मैं एक फटाफट रिपीट करदा। सबसे पहले पढ़िया कि करंट, कि एक कंडक्टर दे विच अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा तां कितनी स्पीड नाल कर रहा, रेट नाल कर रहा, चार्ज ओवर टाइम एक करंट होता है, इनू एम्पीयर च मेजर कर। फिर पढ़िया पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, असी क्या भी चार्ज जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है वो पोटेंशियल जो है वो सानू प्रोवाइड करता है सेल बैटरी, पॉजिटिव चार्ज दो टर्मिनल्स होंगे ने एक सेल दे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर चार्ज चलता है ठीक है। फिर पढ़िया ओम्स लॉ, ओम लॉ ने कहा कि अगर तुसी पोटेंशियल डिफरेंस किसी जगह देते हो तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उतना ही करंट होएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी नू आर नाल चेंज किया, बी इज इक्वल टू आई आर असी कर लिया। फिर इन एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर लिया कि जितनी बड़ी बैटरी लाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल हो गया, उतना ज्यादा करंट हो गया ठीक। कुछ एक सिंबल्स असी किते सी इत्थे, वायर्स क्रॉस कर रही ने, कनेक्ट कर रही ने, बैटरी सैल अमीटर वोल्ट मीटर किवें होंदे ने, असी पढ़िया नई चीजा असी तुहाडे लई कि वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज नू मैजर करता है, एमीटर जो है वो करंट नू मैजर करता है, और गैल्वेनोमीटर जो है वो प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट दिखता कि है या नहीं, कितना है, ये तो इसने दिखना है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वोल्ट मीटर वोल्टेज, एमीटर करंट, एंड गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस ऑफ करंट। फिर देखिए जो रेजिस्टेंस है जो एक वायर दी है वो रेजिस्टेंस चार गल्लां ते डिपेंड कर, अज असी डिटेल कर भी लवेंगे। फिर रजिस्टिविटी पढ़ ली कि जो रजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ दे और एरिया दे, इस तरह ये जो प्रोपोर्शनलिटी है रो नाल चेंज हो जाती है, आर इज रो, ये रजिस्टिविटी है। अगर ये वन हो जाती है तो ये रजिस्टिविटी जो है वो रजिस्टेंस ही बन जाती, कि एक बड़े दे सबस्टांस दे विचों ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ 1 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਐਨਰਜੀ ਪਾਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਦੇਖੀ कि एक बैटरी एक सैल एक रजिस्टर नाल लाया तां वो जो रजिस्टर है वो एनर्जी उस बैटरी तो बी आई टी लेगा या आई स्केयर आर टी लेगा या बी स्केयर ओवर आर टी लेगा। पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी खर्च कर रहा वो सर्किट, उस बैटरी तो कितनी पावर जा रही है, पावर इज ई ओवर टी, तो ये टी जे इतों कट दो बी आई आई स्केर आर बी स्केर ओवर आर, तो पावर आ जाती है। हीटिंग इफेक्ट अज असी किता, सेम फार्मूला है हीटिंग इफेक्ट दे ले। हुण असी अज करदे आ न्यूमेरिकल्स, हुण असी पहुँच गए बेटा एन सी ई आर टी के जितने भी क्वेश्चन ने उन्होंने असी सोल्यूशन कर सकते हैं। वट डज एन इलैक्ट्रिक करंट मीनस, यू नो क्या
सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट मींस व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मींस, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डेफिनेशन हम रखी लिखाई हुई है, ए कंटिन्यूस सर्किट, अ कंटिन्यूस कनेक्शन ऑफ डिफरेंट एप्लायंसेस इन विच चार्ज कैन फ्लो, है ना, इज कॉल्ड अ सर्किट। यूनिट ऑफ करंट क्या है, कई बार बच्चे को पता नहीं लगता, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, करंट दे यूनिट नो डिफाइन करना है, डिफाइन दसना है वो क्या होता है और डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले लिखना भी उंधा की है, करंट वन एम्पियर होता है, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और एम्पियर की डेफिनेशन लिखनी है। तुसी ऑलरेडी ये चीज कितनी हुई है ना कि आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, करंट क्या होता है क्यू ओवर टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ए वन एम्पियर ए वन कूलम ए वन सेकंड। अगर एक सर्किट दे विच वन कूलम चार्ज वन सेकंड से निकल जाए तो वन एम्पीयर करंट होएगा, ठीक है, इतनी स्पीड नाल जाएगी, एक कूलम चार्ज निकल जाए एक सेकंड से, तो असि कहां आगे कि सर्किट वन एम्पीयर करंट है। एक कूलम चार्ज हुन्ना हुंदा किन्ना है पता तुहानू, एक इलेक्ट्रॉन ते सिर्फ इतना कूलम चार्ज हुंदा है, बहुत घट है, वन कूलम ते बहुत घट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाएंगे, सो मच कूलम चार्ज इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन थे वन कूलम चार्ज इज वन डिवाइड बाय दिस इतने इलेक्ट्रॉन्स, देख रहे हो 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें तुहानू जोड़ना पैने निकलने वन कूलम चार्ज। हाँ देखो बड़े ध्यान नाल कि एक सर्किट च तुसी कह रहे हो एक कूलम चार्ज एक सेकंड च निकल गया, तुसी देख लो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना, बहुत इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एक कूलम चार्ज होएगा। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, सेल और बैटरी होती है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाती है। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वन वोल्ट, एक सर्किट च तुसी कहा एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इहदा मतलब क्या है, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दी मैं तुहानू डेफिनेशन लिखवाई है वो तुसी उधरों लिख लेनी है, ठीक है, वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सिक्स वोल्ट बैटरी, एक बैटरी सिक्स वोल्ट दी लगी हुई है और हरेक कूलम लू वो कितनी एनर्जी दे रहा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल टू चार्ज, पोटेंशियल सिक्स वोल्ट चार्ज वन कूलम कितना हो गया सिक्स कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट एक्चुअली जूल ही होते हैं, है ना, आ कूलम आ वोल्ट आ वन जूल, तो इन जूल लिख सकते, इहदा मतलब हरेक कूलम चार्ज नू सिक्स वोल्ट बैटरी सिक्स जूल एनर्जी दे रही है। ऑन वट फैक्टर डज रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ये ऑलरेडी असं कर चुके हैं, नेचर ऑफ द मटीरियल्स, कॉपर रेजिस्टेंस इज लेस सिल्वर इज मिनिमम, सो नेचर ऑफ द मटीरियल्स केड़ा मटीरियल है, सिल्वर है तो बहुत घट रेजिस्टेंस है, लेंथ पर भी डिपेंड कर, लेंथ बहुत ज्यादा, बहुत डिटेल असं कर चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली टू द एरिया एंड टेंपरेचर, टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता, जिम्मे नॉर्मली मेटल्स के टेंपरेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, देखो इस वजह क्वेश्चन हूँ पेपर के बीच आते हैं, साढ़े को दो वायरस ने एक थिक है और एक थिन है, करंट कि ईजली जाएगा, रेजिस्टेंस देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, इहदा एरिया ज्यादा है रेजिस्टेंस घट होगी, अगर रेजिस्टेंस घट हो जाएगी तो करंट ज्यादा हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बी ओवर आर, यदि आर लैस होगी ना, आर लैस होगी तो करंट ज्यादा हो गया, तो एरिया ज्यादा होके रेजिस्टेंस कट गई तो ईजली करंट जाएगा। लेट द रेजिस्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देखो इस न्यूमेरिकल्स की कहता है कि तुहाडे कोल तुसी सर्किट दे विच वोल्टेज दिती है, ये वोल्टेज तुसी हाफ कर दो और इस रेजिस्टेंस नू सेम रहने दो, तो करंट ते की फर्क पेगा, नेचुरली हाफ हो जाएगी,
Why are the coils of electric toaster and electric iron made up of alloy rather than pure metals? जो टोस्टर होंगे ना उस असी हमने गल कर रहे थे वो अलॉय दे नाल बने होंगे ना निक्रोम कॉन्स्टेंटन ये अलॉयज ने बहुत डिटेल गल करांगे बाद दे विच अलॉयज दे नाल देखो करंट गया तो गर्म हो जाए इहदा मतलब उन्हां दी रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए आर ज्यादा होगी तो ही हीट प्रोड्यूस होगी अलॉय की ज्यादा होती है गर्म होकर वह कि पिघल ना जाए उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और गर्म होके वो अग ना फड़ रहे हैं इट डज नॉट कैच वायर इजीली इसलिए अलॉय दे नाल बनाते हैं यूज द रेजिस्टिविटी डाटा टू आंसर द फॉलोइंग विच अमंग द एक डाटा है रेजिस्टिविटी उसे तुसी देखो बुक दे विच भी दिख सकते हो तो आयरन दी रेजिस्टिविटी घट है और मरकरी दी ज्यादा आयरन इज अ गुड कंडक्टर विच इज द बेस्ट कंडक्टर सबसे बेस्ट पूरी टेबल दे विच सिल्वर जो है चांदी जी है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है ना हूँ तुम कहोगे सर आ चांदी सबसे बढ़िया कंडक्टर है तो असी ये जे पोल्स बनाए होंगे ने तारा जो लेके जाने ने वायर्स करंट में उत्ते असी सिल्वर चांदी क्यों नहीं लाती चांदी क्यों नहीं लाई चांदी लावांगे तो वायर च बहुत बढ़िया करंट जाएगा कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी है ना सोचो सोचो चांदी क्यों नहीं लाई है सिल्वर मतलब चांदी तारा च मान लो तारा च चांदी लग गई तो सारे जाके तारा ले आएंगे घर में चक के चांदी कितनी महंगी है ना इसलिए बेटा वो महंगी होने की वजह और है भी घट क्वांटिटी दे विच अर्थ इसलिए असी नहीं लाते चांदी ठीक है 12 13 14 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करवा चुके हैं बेटा मैं तुहानू थैंक यू वेरी मच